जी हाँ, आई दोस्तों बात करते हैं नए महीने के नए दिन से हमारे केंद्र सरकार ने हमारे भारत में कौन कौन से आज नए नियम को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आपका किसी भी सरकारी बड़े बैंक में खाता है तो सभी के लिए हमारे केंद्र सरकार ने आज नए नियम को जारी किए हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारे टिकटॉक बैन को लेकर भी हमारे केंद्र सरकार ने आज 1 जुलाई 2020 से कुछ यहाँ पर बड़ी बातों को बताई है। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे लॉकडाउन को लेकर भी हमारी केंद्र सरकार ने कुछ यहाँ पर बड़ी खबरों को जारी किए हैं। तो आइए दोस्तों आज इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ जानेंगे कि आखिरकार हमारी केंद्र सरकार 1 जुलाई 2020 से कौन कौन से आज नए नियम और बड़े फैसलों को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आप भी एक भारत के सच्चे नागरिक हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए चलता हूं मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि टिकटॉक यूसी ब्राउज़र समेत 69 चीनी ऐप पर हुई डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने लगाया बैन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही है ना कि हमारे डिजिटल स्ट्राइक के तहत हमारे भारत में इन सभी ऐप को बंद कर दिया गया है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि टिकटॉक यूसी ब्राउज़र समेत 69 चीनी ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है। और दोस्तों बता दें कि सरकार ने इन चीनी ऐप पर आरटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत के सरकार ने इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों हमारे भारत पर डिजिटल स्ट्राइक लग रही थी, जिसके कारण हमारे भारत में टिकटॉक समेत आपके 69 चीनी ऐप को बंद कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार आपके टिकटॉक और आपके यूसी ब्राउजर समेत कौन कौन से यहाँ पर ऐप को बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच बड़ा फैसला किया गया है और दोस्तों भारत में 69 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दी गई है। और दोस्तों जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट आदि ऐप शामिल है। और दोस्तों इसके अलावा आपके हेलो ऐप, लाइक ऐप, कैम स्कैनर और आपके सीन क्वाइन को भी बैन कर दिया गया है। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि आपके वायडू मैप, के वाई ड्यू बैटरी स्कैनर भी बैन हो गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको बता दें कि हमारे टिकटॉक, हेलो ऐप, यूसी ब्राउजर समेत ऐसे कई यहाँ पर ऐप है जिसको हमारे केंद्र सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक के तहत हमारे भारत में बैन कर दिया है। और दोस्तों इस बीच हमारे बहुत से यहाँ पर लोगों के मन में यह क्वेश्चन होगा कि हमारे भारत में फिर से यहाँ पर टिकटॉक वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप जान लीजिए कि हमारे भारत को इन सभी ऐप से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हानि हो रही थी, जिसके कारण हमारे केंद्र सरकार ने यानी दोस्तों भारत की सरकार ने इन सभी ऐप को बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारे इन सभी ऐप को ओपन करने की बात तो आप ना ही करो तो अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे केंद्र सरकार ने बहुत यहाँ पर सोच समझ कर यह फैसला लिया है कि हमारे टिकटॉक और आपके यूसी ब्राउज़र समेत सभी यहाँ पर 69 चीनी ऐप को बंद कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की, 1 जुलाई से बदल रहे हैं एटीएम से कैश निकालने के नए नियम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आज से हमारी केंद्र सरकार ने सभी एटीएम से कैश निकालने का पूरा नियम चेंज कर दिया है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि 1 जुलाई से बैंक एटीएम से कैश निकालने के नियम बदलने जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों एटीएम से नगद निकासी के लिए लॉकडाउन के समय नियमों की ढील दी गई थी और बता दें कि छूट की घोषणा 3 महीने की अवधि के लिए की गई थी जिसकी मियाद 30 जून 2020 को खत्म हो गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार हमारे आज से हमारे एटीएम पर कौन से यहाँ पर नए नियम लागू हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हमारे एसबीआई बैंक के एटीएम से नगद निकासी के नए नियम, यानी दोस्तों हमारे भारत में जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से लॉकडाउन जारी है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। और दोस्तों इस दौरान हमारे भारत के सबसे बड़े बैंक कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने पहले एसबीआई एटीएम और अन्य बैंक एटीएम पर किए गए सभी एटीएम लेन देन के सेवा के लिए माफ कर दिया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका 30 जून 2020 खत्म हुआ है तो हमारे केंद्र सरकार ने आपके एटीएम पर से ये जो नया नियम था उसको हटा लिया है। और दोस्तों आज से अगर आप कोई भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे या कोई भी अगर आप एटीएम से लेन देन करते हैं तो आपको अधिक एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यानी दोस्तों आप बता दें कि हमारे केंद्र सरकार ने पिछले 3 महीनों से आपकी ये सुविधा लागू कर दी थी कि अगर आप अपने एटीएम से कितना भी पैसे निकाल दें तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों आज 1 जुलाई से हमारी केंद्र सरकार ने इन नए नियमों को हटा लिया है और दोस्तों जैसे ही आप आज से 3 बार से अधिक एटीएम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पर आपको पैसे देने होंगे। तो ये कुछ हमारी केंद्र सरकार ने आपके सभी यहाँ पर एटीएम पर नए नियम को लागू कर दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की, मानसून अलर्ट, राजस्थान के इन जिलों में आज गरज के साथ तेज बारिश के आसार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही बना कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपके राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि राजस्थान में प्रवेश करने के बाद अब एक बार फिर से मानसून में सक्रिय होने की संभावना है और दोस्तों मंगलवार से अगले 4 से 5 दिनों तक कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। और दोस्तों मानसून टर्फ के उत्तर में शिफ्ट हो जाने के कारण प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कम हो गई थी और दोस्तों अब एक बार फिर से प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। और हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आपके फेवरेबल कंडीशन के चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यानी दोस्तों IMD के अनुसार आपके राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिरकार हमारे राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जिसको हमारे मानसून ने अलर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान
विज्ञान के अनुसार आपके प्रदेश में कहीं कहीं मेघ गर्जन की संभावना है। और दोस्तों खास तौर पर पूरी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। और दोस्तों हमारे भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार आपके बसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूरंडपुर, झलवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप राजस्थान के इन सभी जिलों से आते हैं, यानी दोस्तों जिन जिन जिलों का नाम मैं इस वीडियो में लिया हूं, अगर दोस्तों आप उन सभी जिलों से आते हैं तो वह आपको हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, किस जिला से आते हैं, अपने राज्य और अपने जिले की जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य और आपके जिले की जैसे यहाँ पर कोई मौसम की खबर आए तो मैं आपको वीडियो के तौर पर प्रोवाइड करा सकूं। और फिलहाल दोस्तों अगर आप राजस्थान के इन सभी जिलों से आते हैं तो आपको अगले 24 घंटों तक हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपको अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट से, गैस कनेक्शन को आधार से लिंक करने के आसान तरीके, कभी नहीं रुकेगी एलपीजी सब्सिडी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही बना कि हमारे एलपीजी सब्सिडी को लेकर हमारे केंद्र सरकार ने, यानी दोस्तों हमारे भारत के सरकार ने आज 1 जुलाई को कुछ यहाँ पर नए नियम को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आपका अभी एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं आती है तो अपने गैस को आधार से लिंक करवा लीजिए, आपकी सब्सिडी आने लगेगी। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास भी एलपीजी का गैस कनेक्शन है तो उसी आधार से लिंक जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, वरना दोस्तों आपकी जो सब्सिडी मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो आखिरकार कैसे आपको अपना गैस से अपना आधार को लिंक कराना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि ध्यान रहे, गैस कनेक्शन और बैंक अकाउंट दोनों को आधार से लिंक कराना जरूरी है, तभी गैस सब्सिडी की कीमत आपके खाते में आएगी। मान लीजिए आप इंडेन का एलपीजी गैस कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इंडेन गैस कनेक्शन और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करते ही आपकी सब्सिडी आपके बैंक खाते में आने लगेगी। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे केंद्र सरकार ने जो जो यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर को आधार से लिंक नहीं कराए हैं उनके लिए हमारे भारत के सरकार ने कुछ यहाँ पर नई गाइडलाइन और नए हेडलाइन को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आप 1 जुलाई से, यानी दोस्तों आज से अपने एलपीजी गैस को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर का जो भी यहाँ पर सब्सिडी मिलती है वो आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। तो अगर दोस्तों आप एलपीजी का सब्सिडी पाना चाहते हैं तो अपने गैस को आधार से लिंक करा लीजिए, वरना दोस्तों आपके बैंक खाते में जो भी आपकी सब्सिडी आती है वो आपकी रुक जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की, अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में सख्त होगा लॉकडाउन। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे अनलॉक 2 की आपकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है और दोस्तों हमारे कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हमारे पूरे भारत में होगा सख्त लॉकडाउन। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो गई है और दोस्तों इसके साथ ही आपके अनलॉक 2 का ऐलान जारी कर दिया गया है। और दोस्तों इस हमारे अनलॉक 2 में आपके कई गतिविधियों में आपकी छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ आपके कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सख्त यहाँ पर पाबंदी रहेगी। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत में कल अनलॉक 1 खत्म हो गया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका अनलॉक 1 खत्म हुआ है तो आपका अनलॉक 2 जारी कर दिया गया है। और दोस्तों इस हमारे अनलॉक 2 में आपके जितने भी यहाँ पर कंटेनमेंट जोन है उन सभी को छोड़कर हमारे पूरे भारत में यहाँ पर सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। और दोस्तों इस बीच आपके जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े होटल, मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह हो गए और आपके इसमें स्कूल भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि हमारे 1 जुलाई को आपके सभी स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन दोस्तों हमारे केंद्र सरकार ने इसको 31 जुलाई तक कर दिया है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे पूरे भारत में 31 जुलाई 2020 तक कोई भी यहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप जान गए ना कि आखिरकार हमारे केंद्र सरकार आज 1 जुलाई से कौन कौन से यहाँ पर नए नियम और बड़े फैसलों को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस खबर से संबंधित तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।